मछली के लालच में मर्यादा भूली बिहार पुलिस। मछुआरों से रिश्वत के तौर पर चाहिए पुलिस को मछली। वर्दी का रौब दिखाकर मछली ले लेती है बक्सर की पुलिस। गरीब मछुआरों पर पुलिस की ताकत का हो रहा बेजा इस्तेमाल। क्या डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लेंगे पुलिसकर्मियों पर एक्शन। वर्दी को शर्मसार कर रही है बक्सर पुलिस की यह हरकत। वायरल वीडियो से पुलिस की तानाशाही की खुल गई पोल। सुशासन बाबू और बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ईमानदारी की सीख देते नहीं थकते, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार सरकार के अधिकारी और पुलिस के दामन पर अनेकों दाग लग चुके हैं। अब बक्सर में पुलिस का ऐसा शर्मनाक चेहरा सामने आया जिसे देखकर आप ये जरूर कहेंगे कि बिहार पुलिस और तानाशाही का फर्क खत्म हो गया है। पुलिस की छवि अगर आम जनता के बीच खराब हुई तो उसके लिए उनकी बुरी हरकतें ही जिम्मेदार हैं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के गृह जिला बक्सर में पुलिस के जबरन मछली वसूलने वाली वीडियो जमकर वायरल हो रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे पुलिस वाले अपनी ताकत का रोब दिखाकर बीच सड़क पर मछली की वसूली करते हैं। मछुआरों और छोटे मोटे मछली कारोबारी बड़ी मुश्किल से जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन हजारों की तनख्वाह हर महीने पाने वाले पुलिस वालों को उन पर दया नहीं आती। देखिए कैसे पुलिस ने मछली वाली गाड़ी को रोक रखा है और थोड़ी हुलहुज्जत और हल्के विरोध के बाद मछली ले जा रहे लोग पुलिस के सामने घुटने टेक देते हैं। इसके बाद सिविल ड्रेस में खड़ा पुलिस वाला दोनों हाथों में एक एक मछली लेकर पुलिस की जीप में रख देता है। जबरन बिना पैसे की वसूली गई मछली से अपनी पेट पूजा करने वाली पुलिस के बारे में जो भी कहें कम ही है। पुलिस वालों की इस करतूत का कभी किसी को पता ही नहीं चलता, लेकिन मौके पर मौजूद एक जागरूक नागरिक ने पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति जब व्यापारियों से सवाल करता है कि पैसा मिला कि नहीं, तो व्यापारी कहते हैं कि उन्हें पैसा कहां मिला। इस वीडियो में आप मछली कारोबारी के मुरझाए हुए चेहरे को देखिए और सोचिए कि कैसे सिस्टम गरीब कारोबारियों के पेट पर लात मारता है। चश्मदीद शख्स ने डीएसपी से मिलकर पुलिस वालों की करतूत सबूत के साथ दिखाई। अब वो गरीब और छोटे मोटे मछली के कारोबारियों को पुलिस की दबंगई से निजात दिलाने की मांग सिस्टम से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डुमराव अनुमंडल के कुरान साय थाने की पुलिस ने मछली की फ्री वसूली की है। कुरान सराय की तरफ जा रहा था तो वहाँ पर पुलिस गश्ती कर रही थी, तो गश्ती का चेकिंग कर रही थी और चेकिंग करने के बाद जब लौटी तो हम लोग भी वहाँ रुके हुए थे। एक मछली की गाड़ी, मछली से भरी जो पिकअप थी वो वहाँ पर रुकी और रुकने के बाद हम लोग भी वहाँ ठहरे हुए थे। पुलिस वैन उधर से घूम के आई, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर रोका। रुकने के बाद मछली का जो ड्राइवर था और विक्रेता था और उससे उन्होंने मछली का डिमांड किया, तो उसने कहा कि भाई आप पैसा दीजिए। तो बोला कि पैसा तुमको नहीं देंगे, तो फिर बोला कि आप पैसा देते नहीं, आप अपने स्टाफ से पूछ लीजिए कि आपको हम दिए थे तो आप पैसा दिया था वो, तो पैसा उसने मछली देने से इनकार कर दिया। लेकिन प्रेशर के बावजूद उसने मछली दिया और मछली देने के बाद वो उनको पैसा नहीं दिया। मैंने पूछा भी उनसे कि आपको पैसा मिला, तो मुझे पैसा नहीं मिला। वो तो वीडियो हमने बनाया, वीडियो में आप देख भी सकते हैं, पूरा का पूरा टोटली वायरल भी है। और इस संदर्भ में हमने डीएसपी साहब से भी बात किया है और ये बहुत ही गलत बात है और हम एसपी साहब से कहना चाहेंगे इस पर कार्रवाई हो, तुरंत कार्रवाई हो। जय हिंद, जय। वहीं पुलिस की शर्मनाक करतूत का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी तक सूचना पहुंच गई। बक्सर के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा कि मामले की जांच की जिम्मेदारी डोमराव डीएसपी को दी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उस मामले में एसडीपीओ डुमराव को जांच करने के लिए दी गई थी, तो एसडीपीओ डुमराव के द्वारा उस व्यापारी की तलाश भी की गई और वो व्यापारी के को सामने लाकर उनसे भी पूछताछ की गई है और वो सारे मामले की जांच कर रहे हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, बाबा
पुलिसकर्मियों को नैतिकता और ईमानदारी का पाठ पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि इस मामले में दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई हो जाए, लेकिन हर रोज बिहार की सड़कों पर लाखों की वसूली होती है। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर आम जनता किस पर भरोसा करेगी। पंजाब केसरी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।